नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। इस समय हम हैं जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर में, जहां पर हमारे समक्ष हैं बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना जी। आज इनसे जो बर्निंग इश्यूज जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, उस पर बात करेंगे, जानना चाहेंगे सर आपसे। रविंदर रैना जी, जम्मू ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि रहबरे खेल, कश्मीरी पंडित, ऑल रिजर्व जम्मू बेस्ड कैटेगरी के एम्प्लॉयज काफी समय आपके ऑफिस के बाहर धरना लगा के बैठे हुए हैं, और जहां आप ही के जो पार्टी मेंबर्स हैं उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द उनके मसले हल होंगे, क्या कहना है आपको? दिल्ली से हमारे दो जो बड़े सीनियर लीडर हैं, दोनों नेशनल जनरल सेक्रेटरीज श्री तरुण चुग जी और श्री दिलीप सेखिया जी, जो कि लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट भी हैं असम से, दोनों आए और पार्टी के सीनियर लीडर्स ने बैठ के, चाहे कश्मीरी पंडित, पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज का मसला हो, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, डेली वेजर्स, एनवाईसी, होम गार्ड्स, एसपीओस, वीडीसीज, इन सब के ऊपर डिटेल चर्चा हुई। हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं ने तय किया है कि वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात करेंगे और दिल्ली में माननीय गृहमंत्री अमित शाह साहब के संज्ञान में भी ये सारा विषय हम लाएंगे। हम किसी को जो है बलि का बकरा नहीं बनने देंगे, कश्मीरी पंडित हो या जो ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज हो। एक षड्यंत्र हो रहा है कश्मीर में, टारगेटेड किलिंग्स करके निशाना बनाने की साजिश हो रही है। ये दौर भी खत्म हो जाएगा। इस दौर को भी, जैसे किसी जमाने में पत्थरबाजी, बंद हड़ताल, आज सब बंद है, ये दौर भी खत्म होगा। सुख शांति अमन चैन आएगा, सब शान से कश्मीर में जाएंगे। कश्मीर हमारी सरजमी है, हमारी मातृभूमि है, सब वहां जाएंगे। लेकिन अभी के जो वहां के हालात है, और खासकर जब टारगेटेड किलिंग्स का एक षड्यंत्र पाकिस्तान और आतंकवादी करते हैं, उनसे पहले निपटना है। जान है तो जहान है, जान है तो नौकरी। जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि घर बैठे सैलरी नहीं मिलेगी, क्या कहना है? कश्मीरी पंडित कभी घर बैठे सैलरी नहीं लेता है, या ऑल रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज, वहां के हालात ऐसे बन गए। राहुल पंडिता जी को, राहुल भट्ट साहब को निशाना बनाया गया, रजनी बाला जी को निशाना बनाया गया, सतविंदर कौर जी को निशाना बनाया गया, ऐसे अनेक अनेक पंचीस सरपंचीस को निशाना बनाया गया। यहाँ एक वर्मा साहब होते थे रेहाड़ी के, जम्मू के, उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद वहाँ एक डर और खौफ का माहौल बन गया, जिसके चलते ये कश्मीरी पंडित हों या ऑल रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज हों, उनके कुछ एप्रीहेंशंस हैं, वहाँ एकोमोडेशन रहने की चाहिए। तो मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो कि दर्द दिल रखते हैं लोगों के लिए, बड़ा ख्याल रखते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का, उन्होंने पहले भी बड़े समस्याओं का समाधान किया है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक फादरली फिगर के रूप में हमेशा काम करते हैं। मुझे यकीन है कि कश्मीरी पंडित हों, ऑल रिजर्व कैटेगरीज हों के हमारे एम्प्लॉयज हों, रैबरे खेल या रैबरे जंगलात या बाकी के जो डेली वेजर्स हैं, इन सबके साथ वो मुलाकात करके, इनसे बात करके इन मसलों का वो हल जरूर निकाले। कोई 6 महीने से, कोई 7 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और डिमांड कर रहे हैं सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी की। देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी, चूंकि जिस वक्त इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी उस वक्त ये ट्रांसफर पॉलिसी या रीलोकेशन नहीं था, अब ये सारे बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा एक बार एलजी साहब अगर सबके साथ बैठ के बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे और वो फैसला लेने में बड़ी आसानी से वो फैसला ले पाएंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं लंबे अरसे से यही सुन रहे हैं कि जल्द ही चुनाव होंगे, जल्द ही चुनाव होंगे, आखिर कब होंगे चुनाव? और अगले महीने यानी कि 2023 जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है वो राहुल गांधी पूरा करने वाले हैं, ये दो इससे आप क्या मानते हैं? रही बात जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की, तो बीजेपी तो तैयार है, और मैं भी आप ही की तरह रोज सुनता हूं कि इस डेट को चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की अधिसूचना जो जारी करेगा वो चुनाव आयोग ने करनी है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, केंद्र सरकार ने उसको उस चुनाव आयोग के फैसले को लेकर जो जो ज़रूरत होती है सिक्योरिटी की, वोटिंग मशीन्स की, डिप्लॉयमेंट की, वो हर सुविधा उपलब्ध कराएगा सरकार, लेकिन फैसला चुनाव आयोग ने लेना है। और चुनाव आयोग, मैं तो चाहता हूं कल के बजाय आज फैसला ले और जल्द चुनाव। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका आखिरी पड़ाव आने वाला है जम्मू कश्मीर में अगले महीने। श्री राहुल गांधी जी को ये भारत जोड़ो यात्रा से आप क्या सोच? देखिए, श्री राहुल गांधी जी को जैसे ही वो जम्मू कश्मीर में आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ वो माफी मांगेंगे जो उनके नाना ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गलतियां की हैं। जो जम्मू कश्मीर का विभाजन इन्होंने किया, पीओके किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हाजी पीर किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने। जो उनकी दादी और उनके नाना ने जो गलतियां की हैं उसकी जरूर वो माफी मांगेंगे और ये कहेंगे कि इसके लिए उनकी पार्टी जिम्मेवार है, चाहे देश का विभाजन है, चाहे जम्मू कश्मीर, और चाहे ये कश्मीर के अंदर जो हालात बने हैं, आतंकवाद, ये सब उनकी देन है। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी इस पर माफी मांगेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना जी, जिन्होंने कहा है साफ तौर पे कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, असेंबली इलेक्शन होंगे, बीजेपी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।